हाजिर होने के मामले में पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सस्पेंड करने का आदेश दिया है। पीड़ित किसानों से माफी मांगने अब पुलिस जाएगी। आरोपी पुलिस वालों पर और भी कार्रवाई होगी। पीड़ित किसानों को नुकसान का मुआवजा भी मिलेगा। भारत समाजवाद ने किसानों पर जुल्म की खबर दिखाई थी। पुलिस ने किसानों की सब्जी गाड़ी से रौंद दी थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, जिस तरह से भारत समाचार ने प्रमुखता से खबर उठाई थी, दिखाया था किस तरह से दारोगा बेलगाम है, बेदर्दी दिखा रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, अब कार्रवाई होगी? निश्चित तौर पर भारत समाचार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। जो किसान थे, जो उनके ऊपर जुर्म किया गया था, उसकी खबर को प्रमुखता से दिखाई है और इस पूरी खबर को सीएम ने संज्ञान लिया है। मेरी एसएसपी से जो बात हुई है, एसएसपी ने सीओ को और एसपी जमुनापार को मौके पर भेजे हैं। जो किसान है उनसे वार्ता करें, उनसे जो नुकसान हुआ है उस पर भरपाई की जाए। साथ ही जो दरोगा, आरोपी दरोगा है, उसको पहले लाइन हाजिर किया गया था, अब उसको निलंबित कर दिया गया है और पूरे मामले में एसएसपी ने जांच बैठा दिया गया है कि आखिर गाड़ी में दरोगा अकेले था कि और पुलिसकर्मी थे। जितने भी दोषी पुलिसकर्मी है अब उस पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। जी धीरेन्द्र, क्या कुछ यहाँ पर कहा गया है अब, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद यहाँ पर निर्देश दिए हैं, जिस तरह से यहाँ पर बर्ताव किया गया था, माफी मांगने के लिए भी कहा गया है, मुआवजा भी दिया जाएगा। निश्चित तौर पर जिस तरीके से अब यहाँ की पुलिस, प्रयागराज की पुलिस हरकत में आई है और यहाँ पर एसपी यमुना पार और सीओ समेत पुलिस के जो अधिकारी हैं वो पहुंच गए हैं, किसानों के बीच में पहुंच गए हैं और उनसे मुआवजे की बात करेंगे, उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की बात करेंगे और साथ ही जो उनके साथ जुर्म हुआ है उससे वो क्षमा मांगेंगे। तो ये पुलिस की, जब भारत समाचार ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाता है। बिल्कुल धीरेन्द्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। भारत समाचार ने जिस तरह से खबर दिखाई थी, दिखाया था किस तरह से जुल्मी दारोगा ने गाड़ियां चढ़ा दी थी सब्जियों पर, उसके बाद अब कार्रवाई होती हुई भी